और अब अगली खबर गुना से, जहां नवीन थाना लोकार्पण में जिलाध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों से हुई भारी चूक। शिलालेख पट्टिका पर नहीं था सांसद का नाम। रातों रात चर्चाओं के चलते बदली शिलालेख पट्टिका, फिर दर्ज हुआ सांसद का नाम। गुरुवार को कैंट नवीन थाने के लोकार्पण में जिले के समस्त नेतागण सहित आला अधिकारी उपस्थित हुए, जिसमें पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, विधायक गोपीलाल जाटव और भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार सहित सभी वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद केपी यादव कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने से जनचर्चा जोरों पर है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सांसद का नाम अधिकतर शिलालेख पट्टियों से गायब ही रहता है, इस वजह से उनकी नाराजगी इस लोकार्पण में भी साफ नजर आ रही है। जनचर्चा शुरू होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी व जिलाध्यक्ष ने मामले का रुख रातों रात मोड़ दिया और सुबह सांसद का नाम शिलालेख पट्टी पर जोड़ दिया गया। जब इस संबंध में जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार से संपर्क किया गया तो उन्होंने किसी मीटिंग में खुद को व्यस्त रहने का बताया, परंतु इसमें भी एक भूल कर गए। संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी है, पर जल्दबाजी में गुना अशोकनगर इस शिलालेख पट्टिका पर लिख दिया गया। तो वहीं सांसद प्रतिनिधि सचिन शर्मा ने बताया कि हम सभी इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि इसमें सांसद के साथ साथ प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी नाम शिलालेख पट्टिका पर मौजूद नहीं है। सचिन जी, आप सांसद प्रतिनिधि हो, और कल जो एक कार्यक्रम हुआ था कैंट थाने का लोकार्पण, उसमें माननीय पंचायत मंत्री भी उपस्थित थे, विधायक जी भी थे, लेकिन जो पट्टिका लगी थी उसमें सांसद जी का नाम नहीं था। क्या सांसद जी को आमंत्रित नहीं किया था? मैं भैया, मुझे आमंत्रण आया था 5 बजे शाम के टाइम, और जब मैं कार्यक्रम में पहुँचा माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि के रूप में, और मुझे जानकारी लगी क्या माननीय सांसद जी का प्रोटोकॉल की सुनते उसमें शिला पट्टिका में नाम नहीं है, तो हमने तुरंत ही, मैंने और रविंद्र भैया ने तुरंत ही हमने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। मैं प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूँ। कुछ ही दिन पूर्व, कुछ साल पूर्व की बात है, जब माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का गुना में कार्यक्रम हुआ था, उस टाइम सांसद श्री सिंधिया जी थे अपने, और माननीय विधायक जी सिसोदिया जी भी उस मंच पे मौजूद थे। छुट्टी बस माननीय सिंधिया जी का नाम शिला पट्टिका में नहीं लिखा हुआ था, तो माननीय सिसोदिया जी ने, हमारे विधायक साहब ने पुरजोर विरोध किया था, और उसके बाद में छुट्टी मानते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मंच से लोकसभा में क्षमा मांगी थी उसके लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, क्या सांसदों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं? क्या केपी यादव जी गुना के सांसद नहीं है? क्या ये अपमान माननीय केपी यादव जी का नहीं है? ये अपमान गुना क्षेत्र की, पूरे लोकसभा क्षेत्र की 17 लाख जनता का अपमान है, और इससे हमें बहुत ठेस पहुंची है, और हम सभी कार्यकर्ता बंधु भारतीय जनता पार्टी के और सांसद प्रतिनिधि होने के नाते हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी देंगे। और मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, सहज सरल मिलनसार व्यक्तित्व श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का नाम भी शिला पट्टिका में नहीं लिखा गया, माननीय सांसद जी का नाम भी नहीं लिखा गया। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या एक सत्ताधारी सांसद का नाम शिला पट्टिका में नहीं लिखना चाहिए? क्या प्रभारी मंत्री का नाम शिला पट्टिका में नहीं लिखना चाहिए? मैं जवाब मांगता हूँ प्रशासन से। क्या भाजपा एक अनुशासित पार्टी कही जाती थी, अब क्या वो अनुशासन भाजपा में खत्म हो चुका है? ये पूरी अधिकारियों की वो है जो ओछी मानसिकता के और कांग्रेसी मानसिकता के अधिकारी हैं, ये इसलिए ऐसे काम करते हैं कि पार्टी में फूटन हो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ऐसा आग्रह करूंगा कि इस विषय में तुरंत संज्ञान लेके संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई। पंचायत मंत्री जी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने भी विरोध जताया है क्या?